गुड मॉर्निंग, आज हम आर आई ए के अंडर अर्थ मेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणियाँ। उसमें हम बच्चों को कह सकते हैं कि बेटा आप ना पेपर के टावर बनाइए। हम बच्चों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके उनको कह सकते हैं कि बेटा टावर बनाओ आपके पास। उनको हम अलग अलग संख्या में कप्स दे सकते हैं, तो वो अपनी अपनी तरह से पेपर कप से एक टावर बना के दिखाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ बना रखा है। फिर हम उनसे जब वो टावर बना लेंगे उसके उनसे हम विभिन्न तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेटा इस टावर में कितने कप्स हैं, अगली वाली रो में पिछली वाली रो से कितने कम हैं या ज़्यादा हैं, टोटल इसमें कितने कप्स हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम बच्चों से पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चे अपने अपने आंसर्स के साथ आएंगे। कोई बताएगा कि ये ट्रायंगुलर शेप में है, कोई बताएगा कि इसमें टोटल कितने कप्स हैं, कोई बताएगा कि इनमें जो डिफरेंस है वो एक एक का है। तो इस तरह हम अपना टॉपिक जो है समांतर श्रेणियाँ बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और फिर हम बच्चों को बता सकते हैं कि इसमें ए एन क्या है। जैसे हमारा फॉर्मूला होता है तो बच्चों को समझ नहीं आता, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए क्या है एन क्या है। हमेशा बच्चों को ए एन और एन में कंफ्यूजन रहती है। उनको क्वेश्चंस भी बताते हैं तो हमेशा पूछते हैं मैम इसमें ए एन क्या है और एन क्या है। तो इसके थ्रू हम उनको उनकी ये क्लैरिटी करवा सकते हैं कि इसमें जैसे हमारी टोटल रोज कितनी है, 1 2 3 4 5। तो हमारा एन जो है अगर हम ऊपर से शुरू करें तो हमारा एन जो आएगा वो हमारा आएगा 5। और एन में काउंट कर देंगे हम 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमारा एन और ए एन सेम आ रहा है। तो हम बता सकते हैं बच्चों को कि इसमें ए जो है हमारा वो 1 है, एन जो है 5 है और ए एन भी इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि ए एन हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इस तरह से हम बच्चों को बता सकते हैं। और डी जो है हमारा इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो एक एक आ रहा है, तो डी जो है इसमें 1 है। तो इस तरह से हम फिर बच्चों को हम यहाँ ए एन 5 पुट करवा के ए जो है 1 पुट करा के बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू बता सकते हैं। तो ये इस तरह से बच्चों को बता सकते हैं। और इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि जैसे हम बच्चों को फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी एक्सप्लेन करते हैं तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम बता सकते हैं, क्योंकि ये काउंटेबल चीज़ों की बात हो रही है तो इसमें हमेशा फाइनाइट एपी आती है जो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगी और कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। हम बच्चों को ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब भी कोई एपी इंक्रीजिंग होती है यानी कि उसमें वैल्यूज बढ़ रही हैं तो उसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव की वजह से ही इसमें हर रो में एडिशन होती जा रही है एक एक कप की। और जब भी कोई डिक्रीजिंग एपी होगी, अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं डिक्रीजिंग एपी में हमेशा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब जब भी हम ऊपर की ओर जाएंगे तो नेगेटिव होने की वजह से एक एक कप जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर एक्टिविटी। थैंक यू सो मच।